तो मार्केट में आ गया है ओला उबर को टक्कर देने के लिए रेपिडो की कैब सर्विस। पटना में जो है 6 तारीख का इसका जो है लॉन्चिंग डेट है। 6 तारीख को जो है रेपिडो की कैब की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी पटना के अंदर में। और अभी जो है पटना में बहुत जोर शोर से जो है कैब की अटैचमेंट की प्रोसेस चल रही है। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से अपनी कैब को रेपिडो में लगा सकते हैं और ओला उबर से कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ना तो यहाँ कोई कमीशन की किचकिच। आपको इस वीडियो में मैं सारा कुछ विस्तार से बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। मैं ओला उबर रेपिडो रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। तो सबसे पहले वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अभी हूँ रेपिडो कैप्टन के ऐप पर। मैं ऑन ड्यूटी जाता हूँ। ऑन ड्यूटी जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे रेपिडो का ऑन ड्यूटी हो चुका है। हमारी जो आईडी है वो कैब की है। मैं आपको यकीन दिलाने के लिए प्रोफाइल में लेके चलता हूं और सारा कुछ आपको दिखाता हूं। तो हम आ गए हैं प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद डॉक्यूमेंट्स आरसी डिटेल्स पे मैं ले जाके आपको टच कर देता हूं। और यहां आप गौर से देख पा रहे होंगे, यहां आप कैब आरसी लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं आपको एक बार टच करके दिखा देता हूँ। रेपिडो में हो चुकी है और मैं आपको रेड कार्ड भी इसका दिखा देता हूँ। अभी तक जो है कोई भी रेड कार्ड इशू नहीं किया गया है, चूँकि अभी जो है सर्विस चालू नहीं किया गया है पटना के अंदर। तो आ जाते हैं अर्निंग में। और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कार का आइकन आ गया है। ऑल ऑर्डर्स रेड कार्ड पे चलते हैं। तो अभी रेपिडो कंपनी की तरफ से कोई भी रेड कार्ड नहीं बनाया गया है, लेकिन हम लोग मीटिंग में गए थे, रेपिडो के जो अधिकारी हैं उनसे मिले, बातचीत किए। बातचीत के बाद तो इनकी सर्विस से आप बहुत ही ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ कोई कमीशन नहीं देना है। 5,000 रुपया जब आप कमाएंगे कमाते हैं रेपिडो के अंदर, तो आपको 250 रुपये मात्र देना होगा, 10,000 में 500। तो आप देख लिए जो मैं ऑन ड्यूटी जा रहा हूँ, बट अभी कोई ऑर्डर इसमें नहीं आ रहा है। 6 तारीख को ओपनिंग है पटना के अंदर और 6 के बाद फिर भर भर के ऑर्डर आएंगे। नाइट में इसका 1.5 गुना प्राइज मिलने वाला है। तो ओला उबर से अब जाके कहीं किचकिच ख़त्म होने वाली है, खासकर उन भाइयों को जो भाई लोग ओला उबर में काफ़ी ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एक नई कंपनी आ गई है मार्केट में। रेपिडो कैब की सर्विस आने से ओला और उबर कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है। उन्हें पता है जो मैं मोटी मोटी रकम वसूल रहा हूँ ड्राइवर से और कोई सेफ्टी भी नहीं दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिखाऊंगा, जो आप अपनी कार या बाइक या ऑटो को किस तरह से रेपिडो कैप्टन ऐप में अटैच कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस ऐप को डाटा क्लियर करके एकदम क्लियर करने के बाद, मैं जैसे ही रेपिडो कैप्टन ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने के बाद कुछ परमिशन देना है, तो मैं पहले परमिशन दे देता हूँ। परमिशन देने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस सारा दिखाऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको परमिशन देके स्टार ड्राइविंग पे टच कर देना है, और टच करने के बाद जो भी आपकी भाषाएं हैं, हिंदी यूज करना है हिंदी पे टच करेंगे, इंग्लिश टच करना है इंग्लिश पे टच करेंगे। मान लीजिए आपका भाषा हिंदी है तो हिंदी पे प्रोसीड करेंगे। और अपना एक मोबाइल फ़ोन नंबर आपको डाल देना है जिनसे आपको आईडी बनाना है। खासकर ध्यान रहे, रेपिडो के पास अभी फ़िलहाल एक एप्लीकेशन है जो कि ड्राइवर की ही आईडी बनेगी और ड्राइवर की ही आईडी पे कार अटैचमेंट होगी। अगर मान लीजिए आपकी आपका ड्राइवर जॉब छोड़ के चला गया, तो फिर उस आईडी पे आप ड्राइवर चेंज करवा सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूं जिस मोबाइल नंबर से मुझे आईडी बनाना है। 10 अंक का मोबाइल फ़ोन नंबर डालने के बाद इसे पुट कर देना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को आपको दर्ज कर देना है। तो OTP जो है हमारे पास आ चुका है और OTP को जो है मैं डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद आपका प्रोसेस अब जाके चालू होगा। स्टेप 1 में आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एक कैप्टन के रूप में पंजीकरण करें। जी, कैप्टन उसे कहते हैं रेपिडो में जो रेपिडो बाइक ऑटो या कार को चलाते हैं। ठीक है, तो मैं इसे टच कर देता हूँ। टच करने के बाद आप किस लोकेशन पे अपनी कार को चलाना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और इस चीज़ को आप ज़रूर फिलअप करें। अगर आपको पटना में चलाना है तो आप पटना यहाँ पे करेंगे, ना परिवर्तन कुछ करना है तो परिवर्तन पे जाएंगे और अपने सिटी का चयन करेंगे। तो शहर की पुष्टि करें। शहर की पुष्टि करने के बाद
यहाँ आप लोग कभी भी मिस्टेक मत करिएगा। अगर आपको बाइक अटैचमेंट करना है बाइक पे टच करेंगे, ऑटो करना है ऑटो पे करेंगे, कैब करना है कैब पे करेंगे। तो मुझे कैब करना है तो मैं कैब पे गया हूँ और कैब पे जाने के बाद इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद कॉलम आप देख रहे हैं सबको आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस DL का आगे और पीछे का आपको देना अनिवार्य है। सेंस का फोटो आपको सबसे पहले देना है आगे का। तो आगे का देने के लिए आपको कैमरा को ओपन कर लेना है और कैमरा ओपन करने के बाद में साफ सुथरा एक आपको लाइसेंस का फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करके सबमिट पे जाएंगे, सबमिट कर देंगे और पिछला जो है पिछला हिस्सा DL का पीछे का भाग वो भी आपको देना है। तो आप कैमरा को ओपन करेंगे और पिछला हिस्सा भी दे देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद DL का नंबर यहाँ पे दर्ज करना होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो मैं DL का नंबर जो है मैं एक बार डाल देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। तो DL नंबर देने के बाद इसे पुष्टि करेंगे, आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद फिर जो है आपका दूसरा पेज ओपन होगा। प्रोफाइल की जानकारी में आप अपना एक सेल्फी दे देंगे। तो मैं एक अपना सेल्फी दे देता हूँ कुछ इस तरह से। सेल्फी देने के बाद आपका जो भी नाम रहेगा तो आप अपना नाम का यहाँ पे चयन करेंगे। नाम चयन करने के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ को आपको डाल देना है कुछ इस तरह से। आप अपना प्रोफाइल को पहले तो आप देख पा रहे होंगे ड्राइविंग लाइसेंस प्रोफाइल की जानकारी मैं दे चुका हूँ। वाहन की RC, तो वाहन की RC के लिए आपको जो है वाहन RC का फोटो खींच के यहाँ पे डाल देना है कुछ इस तरह से। RC का जो पिछला हिस्सा होता है बाइक वो भी आपको कुछ इस तरह से फोटो खींच के डालना है। वाहन पूछ रहा है आपका है या किराए पे, तो आपका है तो अपना डालेंगे। ईंधन का प्रकार पेट्रोल है डीजल है CNG इलेक्ट्रिकल है, तो पेट्रोल डीजल आप टच करेंगे। गाड़ी नंबर यहाँ पे एक बार आपको डाल देना है जो भी गाड़ी को आप अटैचमेंट करना चाहते हैं। कुछ इस तरह से सारा कुछ डालने के बाद आप सबमिट पे जाएंगे और सबमिट कर देंगे। आधार पैन कार्ड आप जो है अपना डाल सकते हैं। तो आधार पैन कार्ड जब डालेंगे तो ही परमिट वाला जो ये लॉक सिस्टम है ये खुलेगा। तो आप अपनी ID को पहले चुन ले, आपके पास जो भी ID रहेगा। मान लीजिए आपको पैन कार्ड देना है तो पैन कार्ड को चुनेंगे और पैन कार्ड का जो पिक्चर होता है उसे आप कैप्चर करके यहाँ डालेंगे। तो कैमरा को ओपन कर लेना है और कैमरा ओपन करने के बाद आपका जो भी पैन कार्ड है पैन कार्ड का फ़ोटो खींच लेंगे और खींच लेने के बाद यहाँ पैन नंबर जो भी आपका हो वो पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो कुछ इस तरह से आप अपना पैन कार्ड जब सबमिट करेंगे तो आगे का प्रोसेस परमिट का आ गया है। तो परमिट पे जाके आपको परमिट का जो है व्हीकल का परमिट जो भी आपके पास होगा तो आपके पास जो भी परमिट रहेगा परमिट का फ़ोटो खींच के कुछ इस तरह से अपलोड कर देना है। परमिट अपलोड करने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिटनेस सर्टिफिकेट की भी यही प्रोसेस है, कुछ इसी तरह से आपको फ़ोटो खींच लेना है और फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना है। इसके बाद आ जाते हैं कार इंश्योरेंस। तो कार इंश्योरेंस भी आपको डालना ज़रूरी है। कार इंश्योरेंस का भी फ़ोटो आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ उसी तरह से डालेंगे। इंश्योरेंस अपलोड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इंश्योरेंस अपडेट करने के बाद आपको भुगतान का तरीका चुनना होगा। मान लीजिए कोई भी राइड कंप्लीट होता है तो उस राइड से जो ऑनलाइन पेमेंट मिलेगा वो आपके किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा वो भी चेक करना है। तो उसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट देना ज़रूरी है, या तो आप बैंक अकाउंट दे सकते हैं या अपना UPI ID भी दे सकते हैं। तो मैं वीडियो में सारा कुछ आपको दिखाऊंगा आगे चल के। तो पेमेंट मेथड में आपको बैंक अकाउंट अगर ऐड करना है तो आपका नाम, बैंक का अकाउंट नंबर दो बार, IFC कोड, ये डालने के बाद आपका ये अकाउंट रेपिडो कैप्टन ऐप में रजिस्टर्ड हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और जो भी आपका पेमेंट ऑनलाइन बनेगा वो आपको उस अकाउंट में दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको सारा कुछ फिलअप बहुत ही बारीकी से करना है। पासबुक से अपना अकाउंट नंबर और IFC कोड मिला के ही डालें। गलत अकाउंट नंबर डालने से आपका
रजिस्ट्रेशन फेल्ड भी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही सारा कुछ फिलअप कर दिया हूँ उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करने के बाद मेरा बैंक अकाउंट का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको छोटा सा ट्रेनिंग अटेंड करना है जिसमें 6 वीडियो दिखाया जाता है। उस 6 वीडियो को आपको बहुत ही बारीकी से देखना है और ये 6 वीडियो देखने के बाद मैं आपको ऐप ओपन करके दिखाऊंगा जो मेरा आईडी बनके कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। तो 6 वीडियो का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑन ड्यूटी जाके देखते हैं जो ऑन ड्यूटी हुआ कि नहीं। अगर ऑन ड्यूटी आपका अगर हो जाता है तो समझ लीजिए आपकी आईडी बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारी आईडी बनकर कंप्लीट हो चुकी है, मैं ऑन ड्यूटी जा पा रहा हूं। और आपको मैं प्रोफाइल में भी ले चल के दिखा देता हूं, जिस नाम से मैंने अकाउंट बनाया था उसी नाम से आपको आईडी भी दिख रही है। अशोक कुमार के नाम से अकाउंट बना था, अशोक कुमार के नाम से आईडी भी दिख रही है। रैपिडो आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट आरसी का वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कैब आरसी। तो आप देख पा रहे होंगे यही कार को मैंने रैपिडो कैप्टन ऐप में रजिस्टर्ड किया था, अटैचमेंट किया था और ये अटैचमेंट हो चुका है। आपको सर्विस मैनेजर में ले चल के दिखा देता हूँ, यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कैब इकोनॉमी तो एक्टिव हो चुका है और ये आईडी बनके मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप रैपिडो कैप्टन ऐप में अपनी कार को घर बैठे मोबाइल फ़ोन की सहायता से लगा पाएंगे। अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।